अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महनाज और आप देख रहे हैं महनाज का किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू की टिक्की। हम एकदम बाज़ार जैसी क्रिस्पी टिक्की बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने टिक्की बनाने के लिए 6 आलू लिए हैं। आलूओं को उबाल कर छील लिया है और आलूओं को ठंडा कर लिया है। हम टिक्की के लिए ठंडे आलूओं का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने चावल का आटा लिया है 4 टेबलस्पून और 3 हरी मिर्ची लिए हैं कटी हुई, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गार्निशिंग के लिए दही लिया है, हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर आप इन दोनों चटनी की रेसिपी चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। अब हम आलूओं को कद्दू क्रश कर लेते हैं। हम आलूओं को कद्दू क्रश करेंगे क्योंकि हमें एकदम बारीक आलू चाहिए। अगर हम आलू को हाथों से मैश करते हैं तो उसमें कुछ गुठलियाँ रह जाती हैं, इसीलिए हम आलूओं को कद्दू क्रश करेंगे। हमने सभी आलूओं को कद्दू क्रश कर लिया है। अब हम इन आलूओं में मसाले मिलाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक का इस्तेमाल करें। अब हम इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और चावल का आटा डाल देंगे। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाएंगे और सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो बनाते टाइम हाथों को तेल से ग्रीस कर लीजिए ताकि आलू हमारे हाथ पर चिपके नहीं। ये देखिए हमारा डो एकदम तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए टिक्की कैसे बनाते हैं। टिक्की बनाने के लिए हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। यहाँ पे हम आलू के मिक्सचर को हथेली के बीचों बीच रख कर गोल गोल घुमाते हुए एक बार दबा देंगे। ये देखिए हमारी टिक्की इस प्रकार तैयार हो जाएगी। मैं आपको एक और टिक्की बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए हमें बिल्कुल आटे की लोई की तरह गोल गोल घुमाना है हथेली के बीच में और बस एक बार प्रेस करते ही हमारी टिक्की तैयार हो जाएगी। इसी तरह हम सभी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप टिक्कियों को अपने पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुल 6 टिक्कियाँ बनाई हैं। ये देखिए इनमें से एक टिक्की सबसे बड़ी बनी है, बाकी 5 टिक्कियाँ छोटी हैं। ये टिक्की मैंने सबसे बड़े साइज़ की बनाई है। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए हम टिक्कियों को अब फ्राई करते हैं। आप टिक्कियों को शैलो फ्राई या डीप फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए टिक्कियां फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे क्योंकि अगर हमने फ्लेम ज़्यादा रखा तो हमारी टिक्कियां बाहर से तो जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसीलिए हम मीडियम फ्लेम पर सभी टिक्कियों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ सभी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं नीचे से। अब हम अपनी टिक्कियों को एक एक कर पलट देंगे। ये देखिए टिक्कियों का कलर कितना अच्छा एकदम गोल्डन ब्राउन आया है। हमने सभी टिक्कियों को पलट दिया है। अब हम टिक्कियों को दूसरी साइड से अच्छे से पकाएंगे। हमें टिक्कियों को पकाने में कुल 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ दूसरी तरफ से भी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम सभी टिक्कियों को बाहर निकाल लेंगे। हम यहाँ पर टिक्कियों को डबल फ्राई करेंगे। डबल फ्राई करने से टिक्कियाँ एकदम बाज़ार जैसी क्रिस्पी बनती हैं। ये देखिए मैंने टिक्की को हल्का सा प्रेस करके दोबारा पैन में डाल दिया है। ये देखिए मैं एक पोटैटो मैशर से टिक्की को हल्का सा प्रेस करके
दोबारा फ्राई कर रही हूँ। अगर हम चाहते हैं हमारी टिक्कियाँ बाजार जैसी एकदम क्रिस्पी बने तो हमें टिक्कियों को दोबारा फ्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने टिक्कियाँ दोबारा फ्राई नहीं करी तो टिक्कियाँ खाते टाइम बहुत ज़्यादा मुलायम लगती हैं। अब हम सभी टिक्कियों को डबल फ्राई कर लेंगे। हम टिक्कियों को डबल फ्राई करते टाइम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, क्योंकि हमें टिक्कियाँ एकदम क्रिस्पी चाहिए। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ कितनी क्रिस्पी हो गई हैं, एकदम बाजार जैसी। ये देखिए हमारी टिक्कियों का कलर कितना अच्छा आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन। अब हम अपनी टिक्कियों को पैन से बाहर निकाल लेंगे, एकदम क्रिस्पी। तो चलिए अब हम अपनी टिक्कियों की प्लेटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 टिक्कियाँ ली हैं। मैंने प्लेटिंग के लिए यहाँ पर अनारदाना लिया है, दही का इस्तेमाल किया है, खट्टी मीठी इमली की चटनी, हरी चटनी, काला नमक, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। यहाँ पे मैंने 3 टिक्कियाँ ली हैं। आप चाहें तो 2 टिक्की ले सकते हैं, अपने हिसाब से जैसे चाहें प्लेटिंग करें। तो चलिए प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। हम टिक्कियों में सबसे पहले दही डालेंगे। दही हम अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे, अनार के दाने डालेंगे, आप चाहें तो इसमें सेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दूसरी प्लेट में सेव का इस्तेमाल भी किया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और भुना हुआ सीरा। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ एकदम तैयार हैं। आप इस टिक्की को बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलती हूँ, जल्दी ही लौटूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।